और यहीं पे गाइस कल नीतीश कुमार जी फीता काटेंगे और इसका उद्घाटन। राइडर लोग आते हैं, माइकिंग वुकिंग करते हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा चलान भी कटवाते हैं। चलान तो अपने एकदम रेडी है ना पूरा, चकाचक है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मिस्टर विनय बिहारी पे। अभी फिलहाल हम लोग बिहार का स्मार्ट सिटी पटना में आए हुए हैं और मरीन ड्राइव पे आए हुए हैं। कल 14 अगस्त है और कल मरीन ड्राइव फेज टू का उद्घाटन होने वाला है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी करने वाले हैं। मरीन ड्राइव का फेज वन दीघा से लेकर के PMCH तक बन चुका था और उसी का आगे काम बढ़ा है और फेज टू PMCH से लेकर के गायघाट तक गया है। तो आज उसी का कुछ व्यू आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जिसका उद्घाटन कल होने वाला है। अभी फिलहाल हम लोग गांधी मैदान से एंट्री किए हैं, ये पीछे देखिए रहा गांधी मैदान, और उसे एंट्री करने के बाद यहाँ मरीन ड्राइव पर अभी आए हुए हैं। और मरीन ड्राइव जैसा कि देख सकते हैं आज संडे है, इसका रौनक बहुत ही बढ़ा हुआ है, लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है और 15 अगस्त आने वाला है, इसका कुछ व्यू आप लोग इधर देख सकते हैं, क्योंकि लाइट भी हमारे तिरंगा के रूप में और स्मार्ट सिटी पटना के रूप में एक और काम यहाँ चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कैमरा का कुछ रिपेयर चल रहा है, जिसका भुगताना हम खुद भुगत चुके हैं, करीब 2500 का चलान मेरा कट गया दोस्तों। तो आप लोग कृपया प्रिपेयर रहें। एक अपडेट आपको बता देना चाहेंगे, पिछले जुलाई मंथ में, ओनली जुलाई मंथ में इस कैमरा के द्वारा लगभग 7 करोड़ रुपया का चलान कट चुका है। तो अगर आप पटना में घूमते हैं या पटना में ट्रैवल कर रहे हैं तो कृपया अपने आप से प्रिपेयर होकर के निकलें, हेलमेट जरूर पहने, और वो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखा हो भैया, ऐसे हेलमेट पहनी है ऐसे, न तो चलान फट फट कटी बता दे ही। ऐसे ही पहन करके निकालिए और हम लोग निकलते हैं आगे फेज टू का, चलते हैं फिर आगे। एकदम मजे मजे है, टनाटन है हेलमेट, एकदम सुरक्षित रहिएगा, हेलमेट पहनने रहिएगा। स्मार्ट सिटी पटना का सिस्टम है भाई, और सिस्टम के नीचे तो आपको रहना ही पड़ेगा, सिस्टम फाड़ देंगे। फाइनली गाइस हम लोग बाइक स्टार्ट कर लिए हैं और यहाँ से निकलेंगे, काफ़ी लोगों का हुजूम लगा हुआ है पीछे और आगे भी दिखाएंगे। और यहाँ से स्टार्ट होता है पटना झंडा में लिपटा हुआ है, आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा ये दृश्य लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप आइए, हमको वो लोकेशन आप लोगों को दिखाते हैं जहाँ पे कल नीतीश कुमार जी फीता काटने हैं, और ये वही लोकेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ तैयारियाँ भी चल रही है कल का, कल है 14 अगस्त और फेज टू का उद्घाटन भी होने वाला है। अभी फिलहाल हम लोग का एंट्री बंद है क्योंकि हमारे DM साहब इंस्पेक्शन के लिए गए हुए हैं इस रोड का, जिसका कल उद्घाटन होने वाला है। और यहीं पर गाइस कल नीतीश कुमार जी फीता काटेंगे और इसका उद्घाटन होगा, और यहाँ पर सरपट गाड़ियाँ दौड़ेगी जो कि गायघाट निकलेगी। पटना का हार्टबीट बन गया है गाइस, और यहाँ पर रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं घूमते, अपने फैमिली के साथ आते हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सॉरी ये नहीं बोलना था लेकिन कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अरे आते हैं तो आते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं भाई, भाई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बात नहीं। और हम लोग भी आते हैं भाई, हमारे बॉयज ग्रुप मिल करके घूमने फिरने के लिए। फिलहाल मेरे साथ मेरा फ्रेंड अंशु आया हुआ है जो कि बैक कैमरा मैनेज कर रहा है, इनसे भी वेट करवाते हैं आपको। एक दोस्त को बुलाए थे मीटअप के लिए और वो कॉल कर रहा है, तो कॉल रिसीव करते हैं फिर आते हैं। क्या हुआ भैया, जाने दे रहे हैं? अभी DM साहब गए हैं। अच्छा, इंस्पेक्शन करने, देखने के लिए? हाँ, ओहो तब तो खैर नहीं है, जाने दीजिए, तो ठीक है 10-15 मिनट बाद जा सकते हैं। हाँ 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 हाँ, धन्यवाद। एकदम रेडी है ना पूरा? हाँ, ना पूरा रेडी है, चकाचक है। दोस्तों अभी हम लोग मरीन ड्राइव के फेज टू के पास आ चुके हैं, जिसका कल नीतीश कुमार जी उद्घाटन करने वाले हैं। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं वो वहाँ पर कल रिबन कटेगा और ये फेज टू का उद्घाटन होगा, जैसा कि कुछ तैयारी यहाँ पर किया जा रहा है। पीछे हम लोग, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए बनाया गया है, यहाँ पर आकर के वेट करेंगे और कुछ
अगर प्रवचन वगैरह देना होगा उन लोगों को तो देंगे, और इसके बाद इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये रोड है, देखिए इसका कुछ क्लिप हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बन करके तैयार हो गया है, जेपी पथ फेज टू, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये सीधे रास्ते आप आगे जाइएगा तो एनआईटी घाट होते हुए इधर गाय घाट के पास ये रोड निकलती है, और वहाँ से फिर आप गंगा सेतु पुल पकड़ के वापस गंगा के उस पर जा सकते हैं, हाजीपुर सोनपुर। और ये देखिए लाइट, बहुत ही ज़बरदस्त लाइट, 15 अगस्त आने वाला है उसकी तैयारी किया गया है, देख सकते हैं हमारे तिरंगा झंडा का कलर में लाइट जल रहा है। तो आइए दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत दिनों के बाद पटना में आया है, फिलहाल पटना का ही रहने वाला है लेकिन बहुत दिनों के बाद आया था, आइए उनसे मिलते हैं। तो ये है रणविजय सिंह। हेलो दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद, तो कैसा लगा ये मरीन ड्राइव का रोड देख करके, इतने दिनों के बाद आप यहाँ आए हैं? काफ़ी सन्नाटा है, काफ़ी लंबा चौड़ा रोड है, और दो चीज़ें, एक जो मेन रोड थी पहले जो हम लोग गांधी मैदान से जो गायघाट जाते थे उधर बहुत छोटा रोड था, ट्रैफिक हो जाता, तो ये रोड बनाकर एक तो आदमी का टाइम बचेगा और जाहिर सी बात है एक अच्छा लुक बना, एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया है। दूसरी बात कि ये बनना चाहिए था और तीसरी बात अभी नया नया है जो अट्रैक्शन पॉइंट है स्टार्टिंग डिग्गा साइड, वो भी एक अच्छा अट्रैक्शन है। एक्चुअली यहाँ इधर कोई था नहीं, हम मुंबई देख लेते हैं, कोई भी कोस्टल एरिया देख लेते हैं, वहाँ पर एक स्पेशल मरीन ड्राइव करके या कोई भी नाम से हो, वहाँ पर एक अच्छा अट्रैक्शन का चीज़ हो जाता है। हमारे बिहार में इतना अच्छा गंगा घाट है, इधर 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 कोई अट्रैक्शन का पॉइंट था नहीं, था तो एक एनआईटी घाट जो भी आइसोलेटेड था, उधर ज़्यादा बंदे जाते नहीं थे, सिर्फ ज़्यादातर उधर के लोकल आदमी। अभी इधर बन गया तो एक अच्छा सा व्यू हो गया है, दूसरी राइडिंग का भी एक अच्छा चीज़ हो गया, राइडर लोग आते हैं, बाइकिंग वुकिंग करते हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा चलान भी कटवाते हैं। चलान तो अपने गलती से आते हैं, सेफ्टी फर्स्ट के लिए तो ज़रूरी है, बात सही है। बाकी ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे रणविजय भैया बहुत ही अच्छा डिटेल में इसका कुछ बताएं आप लोगों को, तो कैसा लगा आप लोगों का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।